took entry, I jab, go, switch it, now press it down, go up, elbow, and then you will take him on ground, slowly, and then you will hold him like this, and press it like this, and when you press, if you feel pain, tap, okay, then you will leave it. Now you can see these students are practicing. First entry, then eye jab, controlling hand, controlling body, and pushing to the another person on ground. So this is series of things they are doing there, series of techniques we can call it. And we should be very careful if we are practicing these things at home. We should avoid practicing without trainer because you can get some injuries. I will suggest you to get a good trainer for you and then you can practice it. Next thing, when you are, if you are practicing with your partner at home and you are trying to practice, you can take guidance from us, but I will suggest, like here, you need to control the body very well so that and your hands, otherwise you can harm your partner on eyes, knees and other joints. यहाँ पर सबसे पहले एंट्री हमें सीखनी होती है. एंट्री के बाद आई जैप. आई जैप के बाद आपको इस हाथ को कंट्रोल करना है. जब आप इस हाथ को कंट्रोल कर रहे हैं तब आप इसे प्रेस करेंगे डाउन में. दूसरे हाथ की आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हाथ आप इंगेज कर सकते हैं किसी तरह से. अब उसके बाद आप लोग धीरे से ग्राउंड पर अपने पार्टनर को लेकर जाते हैं और वहीं पर आप लोग उसे कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल करते हुए ध्यान रखें कि जो नी है वो फेस पर बहुत प्रेशर से नहीं करना होता है, इसीलिए मैंने आगे आप लोगों को बताया कि घर पर ट्राई ना करें. बहुत इसमें, क्योंकि बहुत सारी, लगभग इसमें 10 से 15 टाइप की टेक्निक्स आप लोगों की इंगेज हैं, तो ये सारी टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसे पूरा सीख पाएंगे, तभी आप फ़िलहाल इसे देख सकते हैं. आगे मैंने कुछ चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं कि अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अगर हम शुरुआत से देखें तो पहले एंट्री, फिर आई जैब, फिर हाथ का कंट्रोल करना, फिर बॉडी को कंट्रोल करना और फिर ग्राउंड पर ले जाना. तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स का ये कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों को इसे घर पर प्रैक्टिस नहीं करने के लिए मैं सलाह दूंगा. आप किसी ट्रेनर के साथ ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप लोग घर पर इसे प्रैक्टिस करें तो बहुत केयरफुल होकर इसे प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप किसी को हेड में, आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉल होता है वो कई बार बहुत तेज़ी से फॉल हो जाता है, या हम जो रिस्ट है उसे, कलाई को बहुत तेज़ी से मोड़ देते हैं. तो बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोल का बहुत बड़ा हाथ है. तो अगर आप लोग घर पर सीखें या ट्राई करें, वैसे तो पहले आप ट्राई ना करें, किसी ट्रेनर के अंडर में ही ट्राई करें. इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए आप लोग देख सकते हैं, बाकी इसे घर पर आप खुद से ट्राई ना करें, लेकिन अगर करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना.